सो गाइस, क्या होगा जब अलग अलग टाइम से लोग गायब होकर पहुंच जाते हैं 2021 में। इसी बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक सीरीज जिसका नाम है 4400 टाइम ट्रैवल 2021। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया कि उन सभी को पता चल चुका है कि उन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स है। अब और ना ज्यादा वेट करते हुए आपके कमेंट्स का चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्रेशन पर, जिसकी स्टार्टिंग में हम जेरल को देखते हैं जिसको होटल के अंदर वही सर्कल मिलता है जो कि उसका छोटा भाई बनाया करता था। जिसके बाद में जेरल सभी लोगों से पूछने लग जाता है कि ये सर्कल यहाँ पे किसने बनाया है, जहाँ पर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि ये यहाँ पे कैसे आया। सिक्योरिटी कैमराज में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चल सके कि ये सर्कल यहाँ पे किसने बनाया। अब तो सभी को शक होने लगा था कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। पहले तो वो पार्क में बेहोश हो गए थे और पता नहीं किसने ये सर्कल यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट सीन में हम शिनिस को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए उसकी बेटी आई थी, जो कि उससे पूछती है कि आपने वो गुड बाय लेटर लिखा था, इसके बाद में आप हमें छोड़कर चली गई। जहाँ पे शिनिस कहती है वो लेटर मैंने ही लिखा था, उस वक्त मैं डिप्रेशन में थी लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाली थी, उस ग्रीन सर्कल के कारण मैं यहाँ पे आ गई थी। जिसकी बातें सुनने के बाद शिनिस की बेटी उसे गले लग जाती है, जहाँ पे शिनिस को अपनी बेटी की पुरानी मेमोरीज आने लग जाती है। इसे देख कर वो और भी जरा शॉक हो जाती है और वो आखिर ये सब कैसे कर पा रही है, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी बेटी उसे छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वो उन्हें छोड़ के जाने वाली थी। यहाँ पे शिनिस रोती रह जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में लेडोना मिलरेड और हिडन को बताती है कि मैं 2015 में एक रियलिटी स्टार थी लेकिन एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण मैं बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से वायर में फिसल के नीचे गिर गई थी। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे गिर रही थी तभी मुझे वो ग्रीन सर्कल दिखा जिसके कारण मैं यहाँ पे आ गई। इसका मतलब अगर ग्रीन सर्कल वहाँ पे ना होता तो लेडोना अब तक मर चुकी थी। जहाँ पे मिलरेड को पता ही नहीं था कि रियलिटी स्टार होता क्या है और हिडन को तो ये तक नहीं पता था कि आखिर ये टीवी क्या होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुराने समय से है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम कई सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि उसी होटल के बाहर धरना दे रहे थे। उन सभी को इस होटल में क्यों रखा गया, सभी को छोड़ दो, जिन सभी के कारण गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को एक मीटिंग रखनी पड़ती है जहाँ पे वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो मीडिया वालों को होटल के अंदर लाएंगे और ये दिखाएंगे कि इन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से रखा है। यहाँ पे वो सभी ये भी कहते हैं कि उन सभी में से किसी एक को उन सभी को मीडिया वालों को भी मिलवाना होगा जो कि मीडिया में कह सके कि हम यहाँ पे खुश हैं। ये जिम्मेदारी उस पुलिस ऑफिसर और जेरल को दी जाती है कि वो किसी को ढूंढे जो कि उन मीडिया वालों को कहे कि हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में जेरल और वो पुलिस ऑफिसर यानी कि किशा सभी से इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को कोई भी मानता नहीं है क्योंकि वो सभी यहाँ पे खुश नहीं थे, वो सभी यहाँ से जाना चाहते थे। इसके लास्ट में लेडोना उन सभी के पास में आती है और कहती है कि मैं एक शर्त में उन सभी से बात करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरा फोन मुझे वापस कर दें क्योंकि आप सभी ने उस वक्त लिया था जब मैं उस ग्रीन सर्कल से यहाँ पे आई थी। जहाँ पे जेरल और वो पुलिस ऑफिसर भी मान जाते हैं क्योंकि लेडोना को प्रेस हैंडल करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो रियलिटी स्टार थी 2015 में। जिसके नेक्स्ट सीन में हम शिनिस की बेटी को देख पाते हैं जो कि अपने डैड से कहती है कि वो लेटर मेरी मोम ने बहुत साल पहले लिखा था ना कि तब जब वो गायब हुई थी। इसके बाद में वो कहती है क्या मुझे वो लेटर दिखा सकते हैं, जहाँ पे उसके डैड उसे वो लेटर दे देते हैं जिसे लेकर वो शिनिस से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर हम दूसरी तरफ लेडोना को देख पाते हैं जो कि प्रेस से बात करने के लिए तैयार हो रही थी, जहाँ पे वो याद करती है कि वो एक नेकलेस भी पहना करती थी और वो देख पाती है कि उसके गले में एक नेकलेस आ गया है। लेकिन जब वो उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि नेकलेस का होलोग्राम है और उसे भी पता चल जाता है कि उसके पास आखिर कौन सी पावर्स हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं यहाँ पे प्रेस आने वाली थी जिसके लिए पुलिस वाले वहाँ की सफाई कर रहे थे, जहाँ पर वो नोवा को वहाँ से बाहर ले जा रहे थे, जहाँ पे वो बताता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है और उसे कुछ मेडिसिन की जरूरत है जिसके लिए उसे बाहर जाना होगा। जहाँ पे हम देख पाते हैं डॉक्टर एंड्रयू उसके ट्रांसजेंडर होने की बात सुन के काफी ज्यादा अजीब बिहेव करते हैं, इसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, और वो उससे ये तक कहते हैं कि तुम गाना बिल्कुल मत गाना। जिसके बाद में पुलिस वाले नोवा को वहां से ले जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वहां पे प्रेस आ चुकी थी, जहां पे प्रेस के सामने सिर्फ लेडोना को मिलाया जाता है, जहां पे लेडोना कहती है कि हमें यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद हम सभी को बाहर छोड़ दिया जाएगा और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। जिसके बाद में ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद में लेडोना वहाँ के सीनियर से अपना मोबाइल फोन लेने के लिए आती है, जहाँ पर वो सब उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक हम आपको फोन नहीं दे सकते। जहाँ पे लेडोना गुस्से में आके कहती है कि हम सबकी डील हुई थी,
मैंने मीडिया वालों को इतना बड़ा झूठ बोला। इसके बाद में वहां से चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम शेनिस की बेटी और उसके पति को देख पाते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए आते हैं। जहाँ पे शेनिस की बेटी उसी लेटर को पढ़ती है, जहाँ पे शेनिस कहती है कि लेटर मैंने लिखा था, लेकिन पहले लिखा था जब मैं डिप्रेशन में थी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली थी। जिसकी बातें सुनने के बाद उसकी बेटी उसे माफ कर देती है और उसका हस्बैंड भी उसे माफ कर देता है और कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब तुम्हें हम अपने घर पे ले जाएंगे। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं हिडन का बर्थडे होता है और सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे लिडोना भी सबसे माफी मांगती है अपनी झूठी गवाही देने के लिए, जहाँ पे सभी लोग उसे माफ भी कर देते हैं। जिसके अगले दिन लिडोना चुपके से मेन ऑफिस में जाती है और वहाँ के सारी सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग शेनिस की बेटी मराया के फोन पे भेज देती है, ताकि इसे वो चारों तरफ फैला सके, जिससे उनकी सच्चाई के बारे में सभी को पता चल सके, जहाँ पर मराया यही करती है। तो गाइस क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।